श्री नरहरि वांगड़ जी गुरुग्राम से, श्री अशोक गर्ग जी मानेसर से और श्री निशांत यादव जी डीसी साहब, हमारे सीपी साहब, हमारे अभी नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी मनोज शर्मा जी और इनके साथ संयोजक सुंदरलाल जी, हमारे तीनों मंडलों के आदरणीय अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, कृष्ण यादव जी और अभय चौहान साहब, हमारे चारों जिले के पार्षद, हमारी बहन रितु यादव जी, अंजू शर्मा जी, यशपाल जी और हमारे चारों हमारे जिले के ब्लॉक के प्रमुख मनवीर भाई और धर्मपाल जी, मोतीराम जी, रतनलाल बड़ेवा जी और मंच पर विराजमान हमारे इस कार्यक्रम के जिनके उद्घाटन में आप पहुंचे हैं, ऐसे आदरणीय इस कमेटी परिषद के चेयरमैन चंद्रभान सहगल साहब और सभी सम्मानित मंच, हमारे मेरे बाई तरफ सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार साथियों और मेरे सामने इलाके की पूरी सरदारी जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन है और आज भगवान की भी बड़ी अच्छी मेहर है कि उन्होंने चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री जी बारिश लेके आ रहे हैं और हमारे पटौदी तक बारिश आई है। तो आज आप उस बारिश की भांति, भगवान के ऊपर इंद्रदेव की भांति आज पटौदी पर दिल खोल कर बरसेंगे, ऐसी उम्मीद पटौदी की जनता लगाए हुए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पटौदी में चाहे विमला जी रही हो और चाहे मेरा कार्यकाल रहा हो, कभी किसी ने ना नहीं की, ना आदरणीय मनोहर लाल जी ने और ना आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने, जो फाइल गई उसको मंजूर करके भेजा है। और आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम दो घंटे में गुड़गांव पहुंचते थे, आज हम 40 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मनोहर लाल जी की और आज आपके नेतृत्व में उस गति को और आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमें दिल खोल कर दिया, हमने परिषद मांगी, हमें परिषद दिया, हमने स्कूल मांगे, हमें एक दर्जन स्कूल दिए, हमने कॉलेज मांगा, हमें कॉलेज मिला, हमने मानेसर निगम मांगा, हमने मानेसर निगम मिला, हमें नहरों का पक्का करने की योजना मांगी, आपने वो भी दी, हमने इंदौरी नदी की, सावी नदी की दोबारा खुदाई की बात की, आपने वो भी दिया, कोई कमी हमारे यहां छोड़ नहीं रखी। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया हो और चुनाव का समय हो तो मुख्यमंत्री जी दो से चार तो आदरणीय जी आपके हम बिल्कुल उम्मीद रखेंगे और मैं आशा भी करता हूं कि आप पटौदी वासियों को निराश भी नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायतों में आपने खूब दिया और अभी हमारे आपने जैसे घोषणा की है, अगर 2-4 करोड़ की उसमें कमी रह जाए तो वो जोटा मार देना जी, वो कर देना, हम घड़ा नहीं मांगे। अगर 10 के 5-4 बढ़ाने पड़े तो इतनी की बात, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, छोटी छोटी डिमांड करता हूं साहब। और उसमें हमारी समस्या क्या है कि गुड़गांव जिले में
जितने गांव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने गांव हैं उससे दुगने गांव पटौदी में है। भाई संजय जी के 50-60 हो गए मुश्किल से जी, लेकिन यहां तो 150 गांव है, गुरुग्राम में भी नहीं है और फरुखनगर में 12-13, बादशाहपुर में। तो पटौदी में जब हम पैसे बांटते हैं तो गांव में हिस्सा कम आता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब बंटवारा करें जिले का तो ब्लॉक और विधानसभा वाइज नहीं, गांव के वाइज कर दीजिए, हमारे साथ न्याय हो जाएगा। गलत तो नहीं है साहब? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहां इंडस्ट्रियल एरिया है, सरकारी रोजगार है नहीं, आईटीआई बहुत है। माननीय मनोहर लाल जी ने ऊंचा माजरा में भी दी, बिमला जी ने मुशेदपुर में भी खुलवाई और अभी हमारे यहां जो दिक्कत आ रही है पॉलिटेक्निक एक ही है हमारे जिले में और वो भी मानेसर। परसों से 40 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हमारे पास जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा और मऊ लोकरी गांव की तरफ से जमीन की भी ऑफर आ गई है और उनका स्कूल भी प्लस टू नहीं है, वहां बिल्डिंग में अभी वर्तमान में काम भी चल जाएगा। मेरी विनती है कि आप इसी सेशन से आप मऊ लोकरी में एक पॉलिटेक्निक खोल दे, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहां 6 स्कूल ऐसे हैं जिनकी संख्या कम है लेकिन उनकी दूरी भी ज्यादा है, उनको परेशानी उठानी पड़ती है। आप थोड़ी सी रियायत उनमें भी दे दें तो हमारे इलाके में शायद मैट्रिक का कोई स्कूल नहीं रहेगा, हमारे 8वीं से सीधे 12वीं के हो जाएंगे अगर उस विषय पर, तो ये पहला ऐसा एरिया हो जाएगा जहां 3-टायर सिस्टम एजुकेशन का बन सकता है। एक बार उस पर भी आप जरूर विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, 29 मई 2022 को माननीय मनोहर लाल जी की एक रैली गुरुग्राम में थी, 186 करोड़ रुपए उन्होंने पटौदी को पीने के पानी के दिए थे, 66 करोड़ थड़ी के लिए दिए थे। थड़ी का काम फरुखनगर का 80% पूरा हो गया है, ढाणियों का रह रहा है, वहां पर जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आपसे दोबारा हम उसके लिए समय भी लेंगे और आपने पिछले हफ्ते ही 25 एकड़ जमीन पटौदी के अंदर पीने के पानी के लिए WTP के लिए आपने दे दी है, उसका आभार व्यक्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि वो काम भी आप जल्दी शुरू करा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे ताजनगर गांव में एक प्रपोजल गया हुआ है वेट पॉलीक्लिनिक का, जो फिजिबल भी है और आपसे विनती है कि गुरुग्राम में तो पशु भी नहीं है, वहां तो सिर्फ कुत्ते कुत्ते बचे हैं, ये पशु गाय भैंस ये हमारे फरुखनगर पटौदी में ही है, वो वेट पॉलीक्लिनिक हमारे ताजनगर में बढ़ा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक लुवास यूनिवर्सिटी है और उस लुवास यूनिवर्सिटी का हमारे यहां रीजनल सेंटर नहीं है, अगर भोकर का गांव में उसका एक रीजनल सेंटर खोल दिया जाए तो हमारे यहां डॉक्टर भी बनने लग जाएंगे, VLDA भी बनने लग जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक हमारे इलाके के साथ ज्यादती हुई है और वो कैसे हुई मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। पूरा सोहना, पूरा होडल हाई पोटेंशियल जोन है, बड़ी बड़े एरिया डेवलप हो रहे हैं, मैंने आपसे चर्चा भी की थी, आपसे आग्रह भी किया था, हमारे अब जमीने 60 लाख 70 लाख 80 लाख तक हमारे किसान, क्योंकि पानी खेती का भी नहीं है, डार्क जोन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतने हम कमजोर भी नहीं है कि हम लो पोटेंशियल जोन में रहे, या इंडस्ट्री भी आए या उद्योग भी आए या व्यापार भी आए,
यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बने, इसलिए आपसे विनती है कि हाई पोटेंशियल जोन ना सही, कम से कम मीडियम पोटेंशियल जोन या हाई टू पोटेंशियल जोन तक तो हमें इस फर्रुखनगर पटौदी को डिक्लेयर कर दे, हमारे जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे और हमारे किसानों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ढंग से अपने परिवार का व्यापार शुरू कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारे यहाँ सेक्टर में 2 प्ल�ट की जगह है, हमारे जाट समाज के लोग मिले थे, आपसे ज्ञापन भी देना चाहते हैं, और ऐसे ही यादव समाज के लोग मिले थे, वो भी ज्ञापन देना चाहते थे, वो सरकारी औपचारिकताओं में वो अप्लाई भी करेंगे, उन दोनों समाजों को छोटे छोटे प्लॉट सेक्टर 1 में देने का आप कृपा करें। आपने राजपूत समाज को पहले से ही हमारे जो गुरुग्राम में है उसको दिया हुआ था बहुत 100 साल पहले का, और माननीय मनोहर लाल जी ने विधानसभा में घोषणा भी की हुई है, उसका कोर्ट से हमने एफिडेविट भी दिया हुआ है। आपसे विनती है कि अधिकारियों को कहके और गुरुग्राम राजपूत समाज की जो वाटिका है उसको जल्दी से जल्दी लीज से फ्री कराने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक हमारे वकील मिले थे डेलीगेशन, यहाँ पर एडिशनल जज और एक हाई कोर्ट की ब्रांच का उनका आग्रह था, वो भी आपसे विनती है, डेलीगेशन मिलना चाहता था लेकिन मैंने कहा कि मैं मन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह कर दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, छोटे भाई हैं, इनको मैं मना लूंगा, आप अगर आशीर्वाद दें तो हमारे पचगावा, पटौदी, डुमा और जटोली के स्पोर्ट्स स्टेडियम खेल स्टेडियम है, और उनको भी आप अपना आशीर्वाद देने का काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, फर्रुखनगर तो शिवनाब सैनी ने पटौदी को 131 करोड़ की सौगात दी है, आपको बता दें, और 31 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है शिवनाब सैनी ने। तो आपको बता दें, आपसे विनती है, हालांकि आदरणीय बनवारी लाल जी हमारे मंत्री उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन नुमाइंदगी हमारे राकेश भाई भी करते थे विधायक जी, और आज आपसे विनती है कि आप फर्रुखनगर को सब डिवीजन बनाने का कष्ट करें। 1 मई इस लोकसभा चुनाव में 1 मई को आदरणीय मनोहर लाल जी राव इंद्रजीत के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आए थे, और उन्होंने मंच से जब संबोधन किया तो उन्होंने एक बात कही थी, और मैं उस बात को माननीय श्यामा जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जरावता का एक ही एजेंडा है और उस पे आगे बढ़ रहा है कि ये एरिया नया गुड़गांव बसना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुंबई के साथ नवी मुंबई, हैदराबाद के साथ ग्रेटर हैदराबाद, और नोएडा उत्तर प्रदेश के साथ ग्रेटर नोएडा, अब गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, वहां लोग ना व्यापार कर सकते, इतनी महंगी जमीन है, मुख्यमंत्री जी आप भी नहीं ले सकते, हम भी नहीं ले सकते रहने के लिए, इसलिए समय की मांग है, जनता की मांग तो है ही है, समय की मांग है कि ग्रेटर गुरुग्राम के नाम से नया एक एरिया बनाकर, चाहे उसमें तावड़ू, धारूहेड़ा, फर्रुखनगर सारा इंडस्ट्रियल एरिया लेके, और एक ग्रेटर गुरुग्राम आने वाले समय में जब भी आप जिले का निर्माण करें, इस ग्रेटर गुरुग्राम की नई इस योजना पर आप विचार करें, मेरी यही आपसे विनती और निवेदन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, बारिश हो गई थी,
एक बार हम चिंतित थे कहीं आपका कार्यक्रम रद्द ना हो जाए, हमारे साथियों ने कहा, मैं इनका वो हरियाणा के नायाब सीएम है, नायब सिंह सैनी जी नायाब सीएम है, चाहे ओड़े भी पड़े, अगर टाइम दिया है तो आपके बीच में आएंगे और आपका पुनः आप सबका और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका इस पावन धरा पर पहुंचने पर पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।